की कहानी फिर से शुरू करती हूँ। प्रश्न क्रमांक 187 का खाता पाठ करें। जीवादि सद्धर्मं जीवादि सद्धर्मं सम्मतं रूपमपणोतं तु सम्मतं रूपमपणोतं तु दुर्विनिवेश विमुक्तं दुर्विनिवेश विमुक्तं प्राणसम्मं बोधितदीयम् तत्वनिकी करे शैदासु सम्यक्त हुबरे ते सम्यक हुए भ्या दुर्यासय विन्यातम। समय दर्शन के आसन की चर्चा करते हुए चार अंगों की चर्चा की पूरी हो चुकी है। निशंकित निकांचित निर्भी चिकित्सा और कल अमूल दृष्टि अंक की चर्चा करके पूरी देखी। आज आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 199। अब उपगुण गुण कैसे मिला? अब उपगुण गुण कैसे भेदा भेद रचना सही की भावना भी मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध जीव उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा दोष अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों का ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार में से उपगुण उपगुण माने सामान्य यदि अर्थ देखा जाए तो दोषों को ढकना और जो गुण है उनको और उजागर करना ये एक सामान्य उपगुण का अर्थ है। लेकिन किसके दोषों को ढकना और किसके गुणों को उजागर करना नहीं अकेले साधर्मी को नहीं किया यहाँ पे यहाँ पे समस्त ज्ञानी अज्ञानी समस्त मनुष्यों को लिया है। माने ऐसा नहीं कि मात्र साधर्मी के दोष ढके और बाकियों के उपगुण का अर्थ ये कि जीव मात्र के दोषों को ढकना क्योंकि दोष तो सभी से होते हैं। संसार में है तो संसार में है ये इस बात का प्रमाण है कि कोई अभी निर्दोष नहीं है। तो दोष तो सभी के जीवन में होंगे चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो साधर्मी हो विधर्मी हो माने कोई भी हो लेकिन उनके दोषों को उजागर करना ये सम्य दृष्टि का कर्तव्य नहीं है क्योंकि सम्य दृष्टि को वस्तु स्वरूप ख्याल में है। जीवन में तो दोष होंगे चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो दोष सबके जीवन में होते हैं। कर्मों की विचित्रता और समय दृष्टियों को विचित्र हमारे काल में है। हाँ कैसी कैसी विचित्रता परिणामों की हो सकती है वो ख्याल में तो इसलिए वो दोषों को ढकता है और जो गुण है उनको उजागर करता है। देखिए वेदा में रचना से की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से कैसा है शुद्ध ही है। भेदा भेद रत्नत्रय माने क्या माने इसमें दोनों बातें व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन रत्नत्रय माने मोक्ष मार्ग तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों को यहाँ पे दिया कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध ही है। माने मोक्ष मार्ग में दोष है ऐसा नहीं देवशास्त्र गुरु में दोष है ऐसा नहीं लेकिन हमारे अज्ञान के कारण यदि हमारे मोक्ष मार्ग में कोई दोष लगता हो माने हमारे मोक्ष मार्ग के पालन करने में कोई दोष लगता हो तो उस दोषों को ढकना वो उपगुण है। अरे मोक्ष मार्ग तो शुद्ध ही है मोक्ष मार्ग दूषित नहीं होता है। अरे ये हमारी समस्या रहती है कि जैन धर्म कलंकित होगा या हमारे पढ़ने से कुछ जैन धर्म पे समस्या खड़ी होगी उसका भी एक तरह से हमको समाधान दिया कि जो मोक्ष मार्ग है वो तो परम पवित्र ही है उसमें कोई कलंक लगाने वाला नहीं है लगा सकता नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप में परम पवित्र शुद्ध है। दोष लगते हैं तो वो अपनी परिणति में उत्पन्न होते हैं तो मोक्ष मार्ग तो स्वभाव से शुद्ध ही उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से देखिए यहाँ पे तो अज्ञानी मनुष्यों को लिया गया है
अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से यदि कोई दोष उत्पन्न होता हो तो उस दोष को ढकना चाहिए। तो उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से। अब अशक्त मनुष्य माने उसमें हर प्रकार की अशक्तता हो सकती है, ज्ञान की अशक्तता भी हो सकती है, शारीरिक अशक्तता भी हो सकती है, रुपये पैसों की भी अशक्तता हो सकती है, चारित्र संबंधी अशक्तता भी हो सकती है। अब जैसे सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन अभी व्रत संयम के नाम पर एक तरह से वो अशक्त है चारित्र की अपेक्षा देखा जाए। पांचवी गुण स्थान पट्टी भी सकल संयम को धारण नहीं किया है, तो सकल संयम की अपेक्षा वो भी कैसा है, अशक्त है। माने अशक्त में इतना विस्तार आप लेना, हर तरीके से अशक्तता वो उसमें गर्भित की जा सकती है। तो उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से, एक तो जो अज्ञानी ही है जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य तथा अशक्त मनुष्य। अब अशक्त मनुष्य में अज्ञानी भी सारे आ गए हैं और जितने ज्ञानी हैं वो भी सब आ गए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तो अशक्त होंगे ही। स्वाध्याय करने वाले भी ऐसा तो नहीं है पूर्ण सशक्त हो गए हो, उनके जीवन में भी समस्याएं चल रही होंगी, उनके जीवन में भी हो सकता है पड़ोसी से बात विवाद चलता हो, प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं चल रही हो, बिजनेस को लेकर समस्याएं चल रही हो, कोई बीमारी हो गई हो तो उसको लेकर समस्याएं चल रही हो, सम्य दृष्टि के जीवन में भी सारी समस्याएं होंगी ही। तो अशक्तता माने तो सारी चीजें इसमें गर्भित हो जाएंगी। तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धन के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार नय से उद्घोहन कहलाता है। कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है साहब कि दूसरों के दोषों को उजागर क्यों किया, साहब धर्म के लिए किया, यदि वो ऐसे दोष करता रहेगा तो हमारा धर्म कलंकित होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो धर्म के लिए ही दोषों को ढकना चाहिए। माने हमें लगता है कि दोष उजागर करके वो धर्म की रक्षा होगी, ऐसा नहीं। माने दोषों को ढकना सीखना माने सम्यक दृष्टि का अंग है। माने सम्यक दृष्टि के अंदर सहज इतनी निर्मलता होती है कि वह दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करता, दूसरों के दोषों को ढकता है। गंभीरता से विचार करके देखे तो दोषों को उजागर करने से धर्म की ओर विराजना ही हो। आज हमारे मन में कितनी बार प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि इतना स्वाध्याय करने से भी, इतना मंदिर आने से भी क्या फायदा होगा, कषाय तो कम होती नहीं। अब यदि आप दूसरों के व्यक्ति के जीवन की कषाय को उजागर करोगे तो कोई तीसरा व्यक्ति उस धर्म से दूर ही होगा। क्यों? क्योंकि इतना करने पर भी यदि उनको कुछ नहीं हो रहा है तो इससे तो अच्छे हम है ना, घर में बैठे हुए हैं, झगड़ा तो नहीं करते हैं, कषाय तो नहीं करते हैं, कदाचित दाल में नमक आ जाए इसमें गुस्सा तो नहीं हो जाते हैं, और उनको देखो। माने आप दोषों को उजागर करोगे तो उससे धर्म की रक्षा होने वाली नहीं बल्कि धर्म की और विराधना ही होने वाली है। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि एक तो सामने वाले व्यक्ति का भी सोचना विचार करना चाहिए कि भाई दोष हुए हैं तो एक गलती अपराध हुआ है, किसके जीवन में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। आप सीता जी का विचार करके देखिए, आगे स्थिति करण अंग भी आए वो भी इसी से रिलेटेड है कि रामचंद्र जी ने उनसे अग्नि परीक्षा करवाई, उन्हें वन जंगल में भिजवा दिया, माने इतना सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद भी सीता जी ने क्या किया, जगत में बताते फिर सबको रामचंद्र जी ने हमारे साथ ऐसा किया, जिन्हें न्याय की मूर्ति कहा जाता है, न्याय प्रिय कहा जाता है, और उन्होंने सबसे ज्यादा अन्याय किसके प्रति किया, स्वयं की पत्नी के साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय किया ना, जो जगत में न्याय के लिए प्रसिद्ध है, और सबसे ज्यादा अन्याय अपने परिवार जन के साथ किया है, तो कैसे उन्हें न्याय प्रिय कह दे। लेकिन सीता जी ने क्या किया, कहीं पर भी उनके दोषों का वर्णन नहीं किया। और यदि माने दूसरी बात स्थितिकरण, जब कृतांत मंत्री उनको छोड़ने आया था सेनापति, तब जब वो छोड़ने आया था तो उन्होंने क्या संदेश भिजवाया है, लोकापात के भय से आपने मुझको तो छोड़ दिया है, लेकिन लोकापात के भय से धर्म को नहीं छोड़ दे।
मुझे छोड़ने से थोड़ा दुख होगा, लेकिन धर्म को छोड़ दोगे तो भव हमें अनंत दुख होगा। यही स्थिति का अरे उपकुमन और फिर स्थिति करें, एक तो उनके दोषों को ढका और जो दोष थे उनको भी दूर किए, तो ये उपकुमन माने दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको ढकना, ये सम्यक दृष्टि का अंग माने उसका सहज ऐसी परिणति होती है कि वह दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करता। दूसरी बात ये भी है कि एक तो उस व्यक्ति से गलती हो गई, दोष हो गए और अब उसको यदि और उजागर किया जाएगा तो एक तो उस दोष को दूर करने की जो संभावना थी उसको हम दूर कर देते, दूसरा उस दोष के उजागर होने से वह व्यक्ति स्वयं अवसाद में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, तो माने उसके उसको भी धर्म मार्ग में आने से हम बहुत दूर कर देते हैं। तो दोषों को उजागर नहीं करेंगे तो कदाचित वो अपने दोषों को दूर करके पुनः धर्म मार्ग में प्रवेश कर सकता है, लेकिन यदि एक बार दोषों को उजागर कर दिया जाए तो एक तरह से उसके धर्म मार्ग में प्रवेश करने के मार्ग को हम और मुश्किल कर देते हैं। ठीक, चलिए। तो उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से माने जो भी अपनी शक्ति हो सामर्थ्य हो उस रूप से माने सामने वाले व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए। अब चाहे यदि धन की कमी हो तो धन के माध्यम से उसकी मदद सहायता की जाए, अथवा अज्ञानी है वस्तु स्वरूप नहीं समझता है उसको आप स्वाध्याय से जोड़िए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराए, माने जिस भी प्रकार की समस्या उसका वैसा समाधान हो। तो शक्ति अनुसार और धर्म के अविरोध रूप से अरे जिसमें धर्म का विरोध खड़ा ना, तो धन के विरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से अनेक सारे तरीके बताए जा रहे हैं, माने जिसको जैसे इलाज की आवश्यकता हो, जिसको जैसा रोग हुआ उसका वैसा इलाज हो, धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार नैसे उपमोहन कहलाता है। जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जैसे पंच कल्याणक आदि होते हैं तब उसमें भी बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब समस्या ये होती है कि जैसे पूछा जाता है कि पंच कल्याणक कैसा रहा तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें ख्याल में आती हैं, हम दूसरों का नहीं अपने आप अपनी परिणति का विचार करें कि आपसे पूछा जाए कि शिविर कैसा रहा, पंच कल्याणक कैसे रहे, तो सबसे पहले क्या बात याद आती है, सब रहने की व्यवस्था ऐसी थी, खाने की व्यवस्था ऐसी थी, आवागमन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, गर्मी बहुत थी, ये सारी चीजें सबसे पहले ख्याल में आती हैं या नहीं आती हैं। और अच्छा भी हुआ तो अच्छे के नाम पर भी हमें चीजें क्या याद आती हैं, माने मुख्य जो प्रयोजन था वो तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें ख्याल में नहीं आता, खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हमें दोष दिखाई दे रहे हैं तो भी क्या करना चाहिए प्रश्न है कि अरे उन दोषों को ढकना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, लाखों हजारों व्यक्तियों ने स्वाध्याय सुना, वस्तु स्वरूप को समझा, तत्व ज्ञान समझा है, जो कभी मंदिर भी नहीं आते थे वो भी आज कदाचित इन पंच कल्याणकों के निमित्त से शिविरों के निमित्त से कम मंदिर तो आए हैं, कम से कम जिनवाणी के दोष शब्द उन्होंने कान में सुने तो होते हैं, माने ये गुण भी तो है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ पे जाती है, दोषों पे जाती है, दोषों पे तो जाती ही है लेकिन उसको उजागर और करते हैं। अब उजागर करने से होता क्या है कि जो दो व्यक्ति और आपके साथ जुड़ सकते थे, इस धर्म मार्ग में जुड़ सकते थे, बात आपके साथ जुड़ने की नहीं है, बात इस धर्म प्रभावना के साथ जुड़ने की, इस धर्म मार्ग में जुड़ने की, जो दो व्यक्ति और जुड़ सकते थे आपने उनको और दूर कर दिया। देखिए ना शिविर कैसे होते हैं, पंच कल्याण कैसे होते हैं, इसलिए हम तो अपने घर में ही रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सब आए थे ना वो पंच कल्याण करके, उन्होंने पूरी कथा सुनाई क्या क्या हुआ पंच कल्याण में। अब आपके उन दोषों को उजागर करने से वो व्यक्ति भी तो धर्म से दूर हो गए हैं, माने इसलिए दोषों को ढकना सीखना चाहिए, दोषों को इग्नोर करना नहीं कहा जा रहा है, आप दोष हो रहे हैं तो उनको देखना ही नहीं है, दोष तो दिखाई देंगे, आपकी
गुणवत्ता भी है, ये गुण भी है कि दोष दिखाई देते हैं। दोष दिखाई नहीं देंगे तो उनको दूर कैसे किया जाए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि दोष देखने पर उनको उजागर नहीं करना। यदि आपको सच में हित चाहते हो तो दोष दिखाई दे रहा है तो आप उसको दोष को दूर करो, स्थितिकरण कर। लेकिन दोष को उजागर करना ये तो आपकी कषाय को दर्शा रहा है कि दोष दिखाई दी और आपको उसको उजागर कर दिया, तो इसमें कौन सी मानता है। ये तो किसी अज्ञानी को भी यदि कोई दोष दिखाई देंगे तो वो भी उनको उजागर कर देगा, प्रकट कर देगा, तो इसमें कोई महत्ता नहीं। लेकिन दोषों को ढकना, इसके माध्यम से स्वयं भी परिणाम स्थित होते हैं, माने स्वयं का भी स्थितिकरण होता है और अन्य जीव भी धर्म मार्ग से जुड़ते हैं। यदि उजागर कर दिए जाएंगे दोषों को तो व्यक्ति सब दूर ही हो। आज जितना विघटन हो रहा है उसका कारण भी तो यही है, उपगुमन हमारे अंदर नहीं बचा है। जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पे दूसरों के दोषों को उजागर कर दे, जितना उपगुमन का यदि अभाव होगा उतना विघटन तो हो गई। आज कोई नया व्यक्ति यदि मंदिर में प्रवेश करना चाहे, जुड़ना चाहे, तो 10 लोग उसको सलाह देने वाले खड़े हो जाते हैं, सब ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना, ऐसे समय पे नहीं आना है, ऐसे दर्शन नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। दोष है उसका निषेध नहीं है, दोष तो है, लेकिन उन दोषों को दूर करने का उपाय क्या। कोई व्यक्ति पहली बार मंदिर आ रहा है और आप 10 लोगों के सामने उसको कुछ बोल दो, वो कल से मंदिर आना प्रारंभ करे। गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं कि जब तक ये उपगुमन अपने जीवन में नहीं आएगा तब तक विघटन तो होनी ही, लोग आपसे दूर होंगे। चल देखिए, तो अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार नये से उपगुमन कहलाता है। मानो जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो दोष तो उसमें उत्पन्न होते ही होते हैं। आप कितने ही अच्छा आयोजन करेंगे, 1000 लोगों की व्यवस्था करोगे तो 1000 लोगों की व्यवस्था करने में हिंसा नहीं हो। आज अन्य जगत को छोड़ी, लेकिन मोक्ष जगत में ये तर्क उठाए जाते हैं कि साहब इतना शिविर लगाया जाता है, इतने पंच कल्याण किए जाते हैं, कितनी हिंसा होती, कितनी लाइट का प्रयोग होता है, इतने 1000 लोग आते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो शुद्ध भोजन तो बचता नहीं। अब जब 1000 लोगों की व्यवस्था की जाएगी तो उसमें बिल्कुल घर जैसा शुद्ध भोजन आपको मिल जाए वो तो होना संभव नहीं है। 10 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति पानी छानने वाले होंगे तो 10 के 10 एकदम पवित्र रूप से पानी छान लेंगे संभव नहीं। 10 के 10 व्यक्ति शोध एकदम अच्छे से कर लेंगे संभव है ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, आयोजन किए जाए कि नहीं किए जाए, ये उपगुमन है। दोषों को ढकना सीखे, यदि आप इन दोषों को उजागर करने जाओगे तो अनर्थ होने ही वाला है, लोग और धर्म से टूटने ही वाले हैं। जहाँ बड़े आयोजन होंगे, जहाँ कोई भी कार्य छोटे से छोटा आयोजन भी होगा वहां पे भी दोष उत्पन्न होते हैं। आप अपने घर में शादी ब्याह नहीं करते, छोटी सी छोटी भी यदि पार्टी करो तो उसमें भी तो दोष उत्पन्न होते हैं, छोटा सा भी कोई प्रोग्राम रखो तो उसमें भी कितने दोष उत्पन्न होंगे। लेकिन ये तो धर्म प्रभावना का कार्य है, लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य है, तो ऐसे कार्यों में तो जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको ढकना सीखिए और जो दोष दिखाई दे रहे हैं आपकी जितनी सामर्थ्य है उनको दूर कीजिए। आप में सामर्थ्य है तो आप अपने सामने पानी छलवाइए, आप में सामर्थ्य है आप अपने सामने भोजन का शुरू करवाइए, आपके अंदर सामर्थ्य है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जहां घास ना हो, अनेक हर तरीके का दोष आप देख लो। अनेक गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं। आयोजनों को बंद कर देना, धर्म प्रभावना के कार्यों को बंद कर देना, ये कोई उपाय नहीं है। हाँ, लेकिन जो दोष दिखाई दे रहे हैं आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उनको दूर कीजिए। तो धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है वह व्यवहार नये से उपगुमन कहलाता है। इस विषय में मायाचार से ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जड़ित रत्न की चोरी की, तब जिंदत श्रेष्ठी ने उपगुमन किया, वह कथा प्रसिद्ध की। अरे वो कथा आप सभी को ख्याल में, वेश धारण करके उन्होंने मंदिर में पुजारी बनने का वो सब व्यवस्था अपनी जमा दी,
और फिर जब समय मिला, मौका मिला, तो चोरी करके भाग लेना। अब जब सेठ को पता चला उसने क्या किया, तो उसका उद्घूमन किया, उसके दोषों को उजागर नहीं किया। तो ये उद्घूमन। अथवा रुद्र की ज्येष्ठ नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढकने वाली केलिनी महारानी की कथा भी प्रसिद्ध है। ये भी कथा आप यदि पुराणों में देखेंगे तो ये सारी कथाएं आप लोगों को मिल जाएंगी। यानी रुद्र की ज्येष्ठ माँ का ज्येष्ठ नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढकने वाली केलिनी महारानी की कथा भी प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार उपभुवन गुण के सहकारी बने से निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक मिथ्यात्व रागादि दोषों का उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छाद नाश घोषण करना, गोपन करना, ढकना वही उपभुवन गुण है। वास्तव में उपभुवन गुण किसका नाम है? दूसरों के दोषों को तो ढकना ही है, लेकिन अपने दोषों को ढका कि नहीं ढका। और दोषों को ढकना माने उनका अभाव करना, कि अपने दोषों को पहचान करके उनको दूर किया कि नहीं किया। ये वास्तव में उपभुवन गुण है कि जो अपने दोषों को दूर कर सकता है वो सामने वाले व्यक्ति के दोषों को भी ढकना सीख सकता है। लेकिन जिसने अभी अपने दोषों को ही नहीं पहचाना हो, हमने भी तो अपने प्रति बहुत सारे दोष किए हैं, बहुत सारे अपराध किए हैं। लेकिन निश्चय से तो उसी व्यवहार उपभुवन गुण के सहकारी बने से वास्तव में तो आत्मा कैसा है? निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के, जो वास्तव में निर्दोष है उसको ही हमने बार बार दूषित करने का प्रयास किया है या नहीं किया, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। कोई जगत में भी निर्दोष व्यक्ति हो और उसमें लांछन लगाया जाए, दोष लगाए जाए, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे ही मैं भी तो निर्दोष परम पवित्र तत्व हूँ, और ऐसे निर्दोष तत्व पे हमने कितने लांछन लगाए हैं, कितना दूषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे अधिक दोष तो स्वयं ने किए। तो निज निरंजन निर्दोष परमात्मा के आच्छादक मिथ्यात्व रागादि दोषों का उसी परमात्मा के सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप ध्यान द्वारा प्रच्छादन नाश गोपन करना ढकना वही उपभुवन गुण है। ढकना माने कह रहे नाश करना, जो हमारे अंदर दोष है उनको दूर करना, जो मिथ्यात्व रागादि अनंत काल से चले आ रहे हैं ये मेरे दोष है और इनको दूर करना, ये वास्तव में उपभुवन गुण है। तो उपभुवन गुण की जब जब हम चर्चा चलती है तब दूसरों के दोष तो दिखाई देते हैं कि उनको ढकना है, लेकिन अपने जो दोष है उनका अभाव करना है, इस तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। वास्तव में तो यही उपभुवन गुण है, जिसके जीवन में अपने दोषों का अभाव हुआ है वही दूसरों के दोषों को भी ढक सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको ये ख्याल में आया कि अरे मेरे में भी तो इतने दोष हैं, मुझे अपने दोषों का अभाव करना है, तभी तो वो दूसरों के दोषों को भी ढकना सीख पाएगा। कि जैसे मेरे जीवन में दोष होते हैं ऐसे दूसरे के जीवन में भी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि अपने दोष को दोष दिखते नहीं है और दूसरों के दोष हमें दोष दिखाई देते हैं, इसलिए उनको उजागर करने का अभाव आता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें ये लग रहा है कि मैं तो सही हूँ और सामने वाला गलत है, लेकिन जब ये समझ में आएगा कि अरे दोष तो मुझ में भी, ये मिथ्यात्व रागादि अनंत काल से मुझ में चले आ रहे हैं, ये क्या कम दोष है? अरे सबसे बड़ा दोष तो यही है, सबसे बड़ा पाप तो यही है। तो जब मैं स्वयं मुझ में इतने सारे दोष है, तो जब मेरे दोषों को कोई उजागर नहीं करता है, जब मुझे भी इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, तो अन्य जीवों को भी इस धर्म मार्ग से दूर क्यों किया? जैसे मुझ में दोष है तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी तो दोष उत्पन्न होते हैं, उनको उजागर करना ये कोई उपाय नहीं। बात करना तो इसलिए माने स्वयं के दोषों को देखना और स्वयं के दोषों को दूर करना, ये वास्तव में उपभुवन गुण अंग। ठीक है, तो इस प्रकार ये उपभुवन अंग की अपन ने चर्चा देखी। व्यवहार में अन्य जीवों के जीवन में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको ढकना, ये उपभुवन अंग। और वास्तव में निश्चय ने से देखा जाए तो अपने आप में अपने जीवन में ही होने वाले जो दोष हैं उनको दूर करना, ये वास्तव में उपभुवन अंग। चलिए आगे बढ़े।
अब स्तुति करण गुरु का कथन करते हैं। वेदा भेद रत्न प्रय के धार रखो मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका रूप चार प्रकार के संगम में से कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से दर्शन ज्ञान अथवा चारित्र का त्याग करने की इच्छा करता है, तब आगम से अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण धर्म श्रवण से धन से सामर्थ्य से अथवा किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है, वह व्यवहार से स्थितिकरण। अरे दोनों एक तरह से कनेक्टेड ही है, उपगुहन और स्थितिकरण। उपगुहन में आपको दोष दिखाई दिया, आपने दोषों को उजागर नहीं किया, तो फिर क्या करें? सामने वाले व्यक्ति के जीवन में दोष रहने दें, आप दूर करो, स्थितिकरण करो। आपके साधन ही है तो आप उनके दोषों को दूर करना है आपका कर्तव्य। कभी आपके जीवन में दोष होंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी सहायता करेगा दोषों को दूर करने। देखिए तो वेदा वेद रत्न त्रय के धार मुनि अर्जिका श्रावक श्राविका चार प्रकार के संग में से कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व का उदय हो, चारित्र मोह का उदय हो, तो किसी के जीवन में भी, किसी के जीवन में भी माने स्वरूप से भटकना अथवा सच्चे मार्ग से भटकना किसी के जीवन में भी हो सकता है। जब पुराण उठा करके देखते हैं कितनी कितनी विचित्रताएं हम देखते हैं। रावण के संबंध में भी जब हम पढ़ते हैं तो वो भी महाज्ञानी था लेकिन विचलित हो गया, भटक गया मार्ग। अरे कोई भी व्यक्ति हो, मार्ग से विचलित होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई व्यक्ति दर्शन मोह अथवा चारित्र मोह के उदय से दर्शन ज्ञान अथवा चारित्र का त्याग करने की इच्छा करता है, तब आगम से अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण धर्म श्रवण से धन से सामर्थ्य से अथवा किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है, वह व्यवहार से स्थिति करते हैं। इससे हमें ये भी बात ख्याल में आती है कि जब स्वाध्याय के यदि अतिरेक हो जाए, हमारे अध्यात्म का यदि अतिरेक हो, तो अतिरेक की भाषा में एक बात निकलती है कि हमें क्या करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, समझाने से कुछ किसी को समझ में आता नहीं है, इसलिए तो हम किसी को समझाते नहीं, हम किसी को बोलते नहीं है। ये स्थिति करण नहीं, ये समय दर्शन का अंग नहीं, ये समय दर्शन का लक्षण नहीं। सभ्य दृष्टि हो तो स्थिति करण करने का भाव आता है, साधन भी हो और कोई धर्म से विचलित होता हो तो स्थिति करण करने का भाव आता है, क्योंकि अभी पूर्ण वितरागी तो नहीं हुए, पूर्ण भगवान तो नहीं बन गए हो, राग विद्यमान है ना संसार में है, इसका मतलब ही ये है कि अभी राग है, चौथे पांचवें गुणस्थान में हो, इसका मतलब ये है कि अभी वितरागी तो नहीं हुए हो, राग तो विद्यमान है। और यदि आप कहते हो कि हमें भाव नहीं आता है, यदि सच में भाव नहीं आता होता तो अभी तो मुनि दीक्षा हो जाते, वितरागी भगवान बन जाने चाहिए, इसका मतलब ये राग का भाव तो नहीं हुआ है। सभ्य दृष्टि हो और ऐसी बातें हो, इसका मतलब ना अभी अध्यात्म को समझा है, ना आत्मा परमात्मा को समझा है, ना वस्तु स्वरूप को समझा है। सभ्य दृष्टि जीवन में स्थिति करण माने ये सब अंग है, माने सभ्य दृष्टि को सोच सोच के नहीं करना पड़ता है, ये सहज ही होता है। जैसे हमारे जीवन में सांस लेना है, आंखें झपकना है, भूख लगती है तो भोजन करने की प्रक्रिया, ये सारी आपको सोच सोच के करना पड़ता है, सारे हमारे जीवन के अंग है, ये सब होता ही है। ऐसे सम्य दृष्टि के जीवन में भी ये सारी चीजें होती ही, कोई व्यक्ति साधन भी हो धर्म से विचलित हो रहा हो तो उसका एक तो उपगुमन और दूसरा स्थितिकरण, ये उसके सहज जीवन की प्रवृत्ति है। देखिए तो उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है, वह व्यवहार से स्थितिकरण। पुष्प डाल मुनि को धर्म में स्थिर करने के प्रसंग में वारिशेन कुमार की कथा आगम प्रसिद्ध है। निश्चय से तो उसी व्यवहार स्थितिकरण गुण से धर्म में दृढ़ता होने पर दर्शन और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल का त्याग कर निज परमात्म स्वभाव की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, किसका लक्षण परमानंद, किसका आत्मस्वरूप में स्थित होने का अथवा रत्नत्रय का
लक्षण किसको बनाया? परमानंद को लक्षण बनाया। क्यों? क्योंकि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, उपाय तो एक सुखी होने का है। तो अब कैसे पहचाना जाए कि रत्नात्रय हुए कि नहीं हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, क्या लक्षण बनाया? परमानंद एक लक्षण है। यदि आपको आनंद की प्राप्ति है, आप सुख की प्राप्ति है, इसका मतलब रत्नात्रय है। और यदि सुख की प्राप्ति नहीं है, इसका मतलब रत्नात्रय नहीं। स्वयं का विचार करने के लिए लक्षण बनाए कि कैसे पता चले सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। लक्षण से पहचान की जाए, आनंद हुआ कि नहीं हुआ, सुख हुआ कि नहीं हुआ। सुख है, आनंद है, इसका मतलब रत्नात्रय। और यदि सुख आनंद नहीं है, इसका मतलब रत्नात्रय नहीं। तो उस उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद द्वारा परमात्मा में तल्लीन तन्मय परम समृद्धि भाव से चित्त को स्थिर करना वही स्तुतिकरण है। स्तुतिकरण में मात्र दूसरों का स्तुतिकरण नहीं है, स्वयं का भी स्तुतिकरण। जो स्वयं का स्तुतिकरण करना जानता हो, वो तो उनका स्तुतिकरण कर पाए। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें देखना है कि शनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं, फिर सातवें गुण स्थान में आते हैं, छठे गुण स्थान में आते हैं, फिर सातवें गुण स्थान में आते हैं। तो वो तो हर समय अपना स्थितिकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हर समय वो तो उनके संबंध में कहीं जाता है, जुदा जुड़ते हैं छठे सातवें गुण स्थान में। तो एक एक पल में छठे में आए और फिर सातवें में, तो हर समय अपने स्थितिकरण कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भी का अपना स्थितिकरण करना है या नहीं करना है। हम भी तो धर्म मार्ग से दूर हैं, हम भी तो अपने सच्चे मार्ग से दूर हैं, हमारे अंदर भी तो इतने दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहले तो स्वयं का स्थितिकरण करना, और वास्तव में तो स्वयं के स्थितिकरण किए बिना दूसरों का स्थितिकरण करना भी संभव नहीं। कथा प्रसन्न गांधी जी के संबंध में भी कथा चलती है। किसी ने कहा कि भाई हमारा बालक बहुत गुड़ खाता है, जो उसको गुड़ खिलाना छोड़ना है, क्या किया है? थोड़े होने 10 दिन बाद आना। रात 10 दिन बाद क्या हो जाएगा कि पहले स्वयं ने गुड़ खाना कम किया। क्यों? स्वयं के अंदर ही दोष था कि गुड़ बहुत अधिक खाते थे। तो इन 10 दिनों में पहले तो स्वयं का दोष दूर किया, स्वयं का दोष दूर किया तो फिर सामने वाले को सिखाया कि भाई दोष है, इसको नहीं खाना चाहिए। माने जो स्वयं का स्थितिकरण ना करें, वह अन्य का स्थितिकरण भी नहीं कर पाए। तो इसलिए वास्तव में तो सबसे पहले स्वयं का स्थितिकरण, माने स्वयं के अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं उनका स्थितिकरण करना। अब दोष क्या है देखिए कि निश्चय से तो उसी व्यवहार स्थितिकरण गुण से धर्म में दृढ़ता होने पर दर्शन और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्या राग आदि विकल्प जाल का त्याग करना। दोष क्या है? ये मिथ्यात्व यही दोष है। ये जो विकल्प हमें उत्पन्न होते हैं ये हमारे दोष हैं। ये दोष कब नहीं होते हैं? प्रति समय चल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमें कोई दोष नहीं है। ये जिनवाणी हमारे दोषों को दिखा रही है। एक तो जिनवाणी माँ कहती है कि उपकुआ न होना चाहिए, दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए, और जिनवाणी माँ उजागर कर रही है। अरे उनका अभिप्राय ये है कि अपने दोषों को दूर। तो होने पर दर्शन और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल का त्याग कर निज परमात्म स्वभाव की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद द्वारा परमात्मा में तल्लीन तन्मय परम समृद्धि भाव से चित्त स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना वही स्थितिकरण। माने अपना जो उपयोग पर पदार्थों में भटकता है, बाहर में भटकता है, उस उपयोग को वापस अपने ओर समेटना, यही वास्तव में स्थितिकरण। क्योंकि दोष यही तो है कि जो उपयोग अंदर होना चाहिए था वह उपयोग बाहर की ओर भटकता है, यही हमारा दोष है। तो उस उपयोग को वापस अपने स्वरूप में स्थिर करना, ये सच्चा स्थितिकरण है। और जब ऐसा स्थितिकरण अनुभव होता है तो सहज में बाहर में भी यदि कोई व्यक्ति धर्म से विचलित होता हुआ दिखाई देता है तो उसे भी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी शक्ति प्रमाण, जिस कारण से भी धर्म से विचलित हो रहा हो, तो उस कारण को दूर
करने का पूरा प्रयास उस व्यक्ति का होता है। तो फिर साहब उसका क्या होगा कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता। अरे श्रद्धांत तो पक्का है, श्रद्धांत तो निर्णय 100% है कि समझाने से समझ में आने वाला नहीं है कि विषय कषायों का पोषण करने से ही पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने से मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ। ये श्रद्धांत तो पक्का है ना, लेकिन फिर भी पंचेंद्रिय के विषय को भोगने का विकल्प उत्पन्न होता है या नहीं होता है? जब विषय कषायों को भोगने का विकल्प हम पूर्ति कर रहे हैं वो दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो धर्म से जोड़ने का कार्य है ना, तो इन विकल्पों को कैसे छूट जाएंगे? इन विकल्पों की भी तो पूर्ति होगी ना। श्रद्धांत पक्का है और यदि कोई समझाने से समझे नहीं तो ऐसा नहीं कि दुखी होकर के बैठ जाएंगे। अब यहाँ तत्व ज्ञान काम आएगा, जो ये आपने लाभ समझाया लेकिन लाभ समझाने पर भी कोई ना समझे तो क्या करे? रावण को भी बहुत समझाया ना, सबने समझाने का प्रयास किया, विभीषण ने भी समझाया, राम ने भी पहले संदेश भिजवाया, पत्नी ने भी समझाने का बहुत प्रयास किया, सबने बहुत समझाने का प्रयास किया। अब लेकिन यदि नहीं समझे तो नरकों में तक समझाने चले गए, पर यदि नहीं समझे तो क्या? तो अब तत्व ज्ञान काम आ रहा है, समझाने से समझ में नहीं आता, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। आप भी परद्रव्य पे उपकार नहीं कर रहे हो, आप भी एक तरह से अपने आप ही उपकार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको समझाने का विकल्प आया, आपको अंदर इच्छा उत्पन्न हुई ना, तो आपने तो अपनी इच्छा की पूर्ति की, आपने तो अपनी राग की पूर्ति की है ना। समझाकर हम ऐसा बन जाते हैं कि अरे मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, उसका ही मान लेकर के बैठ जाते हैं, देखो मैंने कितने लोगों को सुधार दिया है, इतना कर दिया है। ये वापिस तत्व ज्ञान की ओर आओ, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है। समझाने का विकल्प हुआ था, इच्छा हुई थी, ये इच्छा की पूर्ति स्वयं की है, कि उपकार भी आपके स्वयं के ऊपर ही किया है, अन्य द्रव के ऊपर आप क्या उपकार करो? बहुत पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे ज्ञानियों के जीवन में तत्व ज्ञान भी बराबर है, तत्व ज्ञान का श्रद्धा निर्णय भी बराबर है, और वास्तव में तो जिसको ये तत्व ज्ञान होता है उसी के जीवन में स्थितिकरण करने का भाव होता है, उसी को वास्तव में उपगुहन का भाव होता है, उसी को प्रभाव न करने का भाव उत्पन्न होता है। जिसके जीवन में वास्तव में रत्नत्रय उत्पन्न नहीं हुए हैं, तत्व ज्ञान नहीं है, उसको उपगुहन करने का भाव भी नहीं होगा, उसको स्थितिकरण करने का भाव भी नहीं होगा, और जो कुछ होगा भी तो ऊपर ऊपर से कषायों की पूर्ति करने के लिए ही होगा। पॉइंट पकड़ना, उपगुहन किया क्यों किया था? जिनवाड़ी में लिखा इसलिए करना था, लोग क्या कहेंगे, फालतू हम बातें नहीं करते हैं वरना लोग हमें बुरा कहने लगते हैं। अरे ये तो आपको कषायों का भय, लोगों का भय है, अथवा जिनवाणी में लिखा है इसलिए करते हो। जिनवाणी में नहीं लिखा हो तो आपको पढ़ने में नहीं आया तो, अरे सम्यक दृष्टि तो ये सहज परिणति होती है कि दोषों को ढकना, स्पष्टीकरण करना, प्रभाव न करना, वात्सल्य रखना, ये सब सम्यक दृष्टि के अंग है, और ये सहज परिणतियां हैं। सहज परिणति माने करना पड़ता है ऐसा नहीं, अपने आप सहज उसके जीवन में होता है। तो परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसा स्वादारा, परमात्मा में तल्लीन तन्मय, परम समरसी भाव से चित्त को स्थिर करना, वही स्थितिकरण गुण। और इस बात को अपने स्वरूप में लौट कर आना, ये स्थितिकरण है स्वयं का। मुनिराज के प्रत्यक्ष माने श्रेष्ठ उदाहरण यदि कोई कहे तो मुनिराज इसके श्रेष्ठ उदाहरण माने आप उनके जीवन में देखिए, हर कार्य करने के बाद उसका प्रायश्चित करते हैं, आहार के लिए भी जाएंगे तो एक तो आहार का विकल्प आया, उसका प्रायश्चित, आहारचर्या में जो दोष उत्पन्न हुए, चल के गए तो जीवों की हिंसा हुई, आहार बनता है तो उसमें भी तो दोष उत्पन्न होते ही है, उन सबका प्रायश्चित, एक एक क्रिया का प्रायश्चित, बैठे हैं उठे उसका प्रायश्चित, खड़े हैं फिर बैठे उसका प्रायश्चित, निद्रा आई तो थोड़े से काल के लिए भी सोते हैं उसमें भी जो प्रमाद हुआ हो उसका भी प्रायश्चित, माने हर एक छोटी से छोटी प्रक्रिया का भी तुरंत प्रायश्चित। माने क्या कि वापस अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करते हैं।
बात आने के, ये उसकी श्रेष्ठ उदाहरण है स्तुतिकरण आने के, और वैसा ही स्तुतिकरण हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वास्तव में जब निश्चय रूप स्तुतिकरण होता है तो सहज बाहर में व्यवहार रूप स्तुतिकरण भी जीवन में होते ही ना हो ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार आज दो अंक की अपन ने चर्चा की, उपगुहन और स्थितिकरण। इसी के आगे से दो गुण और हमारे बचे हैं, कौन कौन से? वात्सल्य और प्रभावना। वास्तव में देखे जाते सारी एक तरह से कनेक्टेड अंग ही है। जिसको उपगुहन होगा वो स्थितिकरण भी करेगा, स्थितिकरण होगी तो सहज स्मरण की प्रभावना भी होती है, वात्सल्य नजर आता है। बिना वात्सल्य की सारी चीजें करना कैसे संभव? वास्तव में तो सारे अंग एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, एक अंग होगा तो सारे अंग होंगे ही होंगे। जिनवाणी में तो जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं महापुरुषों को एक अंग के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अंग ही उनके जीवन में होता है। जैसा अंजन चूर को निशंकित अंग में प्रसिद्ध किया, ऐसा नहीं कि मात्र निशंकित अंग ही है, बाकी के सात अंग भी उनके जीवन में होते हैं। तो एक अंग में प्रसिद्धता की बात है, लेकिन जिसके जीवन में एक अंग भी है इसका मतलब सातों ही अंग उसके जीवन में होते हैं, और एक अंग नहीं है इसका मतलब बाकी के सातों अंग भी नहीं है। बात पकड़ना, चल आगे की चर्चा। Thank you.